जातक राशि की बात करें तो शुभ तारीख है 26 से 27 और अशुभ तारीख 24 से 28 के बीच में कोई विशेष अशुभ तारीख नहीं पड़ रही है। अब हम बात करते हैं मास आरंभ में स्थिति क्या है। केतु तुला राशि के होकर चतुर्थ भाव में है, बुध धनु राशि के होकर षष्ठम भाव में है, सूर्य मकर राशि के होकर सप्तम भाव में है, शुक्र शनि कुंभ राशि के होकर अष्टम भाव में है, बृहस्पति मीन राशि के होकर नवम भाव में है, राहु मेष राशि के होकर दशम भाव में है, चंद्रमा मंगल वृषभ राशि के होकर ग्यारहवें भाव में चलायमान है। अब बात करते हैं 24, 25, 26 को मान प्रतिष्ठा वर्धक समय रहेगा, मान मर्यादा बढ़ेगी, सम्मान बढ़ेगा, सम्मान मिलेगा। इस समय में आप अपनों के बीच में समय बिताएंगे, प्यार व रोमांस का समय होगा, बच्चों से, पत्नी से, परिवार से सबसे प्यार मिलेगा, बच्चों की तरफ से निश्चिंत रहेंगे क्योंकि इस समय पर बच्चे भी अपनी जिम्मेवारी को समझेंगे। 27-28 को लाभकारी समय है, दाम्पत्य संबंधों में मधुरता का रस घुलेगा, घर में किसी मेहमान के आने की संभावना है, आजीविका व रोजगार संबंधी समस्या हल हो जाएगी, युवा वर्ग अपने करियर के प्रति सजग रहेंगे। 28 की शाम से कोई तनाव आप पर हावी हो सकता है, सावधान रहने की आवश्यकता है, मानसिक तनाव बढ़ सकता है। रोजाना आप इस चीज़ के लिए, तनाव से बचने के लिए और इन परेशानियों से बचने के लिए शिवलिंग पर जल चढ़ाकर उस जल का अर्पण करें, जल को पिएं, आपके लिए अत्यंत लाभकारी हो।